बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब बन भाई खैर खेस होंगे। आज के व्लॉग का आगाज़ कर रहे हैं, शुरू से लेकर आखिर तक देखना। तो आज का व्लॉग कुकिंग पे मोहित होगा और कुछ बहन भाइयों से प्यारी प्यारी मीठी मीठी बातें शेयर करेंगे। तो जो बहन भाई नए हैं वो बेल का बटन प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन उन तक बरवक्त पहुँच सके। तो आज थोड़ी सी तबीयत भी ख़राब थी इस वजह से कि मौसम की चेंजिंग है। तो चलें जी, व्लॉग का आगाज़ कर रहे हैं, हमारे साथ रहिएगा। हाँ जी, आज तो मेरे फेवरेट सफेद चने, इन्हों का टेस्ट भी बहुत ज़्यादा वा। अच्छा जी, चने सन बना लगी हैं, प्याज धो लिया कट के, टमाटर एक ही घर पिया बस, तो हरिया मिर्चा लहसुन छिल लिया वा, ये भी धो लिया अच्छी तरह, तो एक कुकर च पा के चने रख दी उपर, फिर सारिया चीज़ें कट के तो सन बना लिया सफेद चनिया का। तो बच्चे भी शौक ना खा लेंगे, तो मैं क्या चलो सपारे तो ट्यूशन हुण घर आए ने, ते हुण तुसीं उहनां नूं कहिंदे हो कि काम करो। अच्छा जी, ज्यान दियां शरारतां दिखाने आ। ज्यान नूं हुण नलाया ते हुण दे के उत्थे रख रख मिट्टी उत्थे रख, नहीं तो पटाई लगूगी। क्यों जो है ना कपड़े खराब कर रहे हो? गाना सुना दे। अच्छा जी, ज्यान गाना भी गा लेंदा। ज्यान गाना मुझे सुनाओ। अच्छा जी, शाम का टाइम है तो बाजी सामने गेट पे थी, उसने दरवाज़ा खड़का के कहा है कि बाहर ना बच्चे जो है ये बिल्कुल सीमट जो है ना अभी करके गए हैं भाई लोग आज ही, तो इस वजह से जो बच्चे थे उन्होंने इन पे ना अपने नाम लिख दिए और जो है वो ये क्या कहते हैं लकड़ी के साथ इस पे ना खराशें लगा दी। तो ये कल तक इंशाल्लाह सूख जाएगा तो ये सारा कुछ जो है ना वो ठीक हो जाएगा, लेकिन आज अभी बिल्कुल ताज़ा है, इस वजह से जो है ना इस पे मैंने कहा कि भाई आप ये ना ठीक कर दें, क्योंकि अभी तो ये बिल्कुल ताज़ा। क्यों भाई, ठीक हो सकता है ना? हाँ जी, तो कल नहीं होना था। हाँ जी, किन्ना रह गया सालन? किन्ना रह गया, तो निकल पानी पा रहे हैं, बाकी चने अच्छी तरह गर्म हो गए हैं। अच्छा, तो पानी पा के रोटियां बना लेंगे, बर्तन वगैरह सारे धो लिया और चार छे इतना सीमेंट के अंदर जो ग्रोथ वगैरह इतना बना दिया। तो वो सारा मतलब जितने मैं बर्तन वगैरह धोनी उतने मैं साफ किया, बाकी का कोई टाइम नहीं लगता सारी दिहाड़ी। ਨਾਲੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਨੀਚੇ ਨਾ ਹੋ ਉਤੋਂ ਇੱਟ ਕੋਈ ਹੱਥ ਚੋਂ ਛੁੱਟ ਸਕਦੀ ਹੈ ਗਿਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ। ਹਾਂਜੀ, ਨੀਚੇ ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਥੱਲੇ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਚੋਂ ਵੀ ਛੁੱਟ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਨੀਚੇ ਨਹੀਂ ਆਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਕਿ ਉਧਰੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਿਕਲੇ ਹੋ ਉਧਰੋਂ ਤੋਂ ਇੱਟ ਹੱਥ ਚੋਂ ਛੁੱਟ ਗਈ। ਛੋਟੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾ ਅੱਬੂ ਜੀ ਨਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਮਕਾਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਅੱਬੂ ਜੀ ਨਾ ਖੁਦ ਹੀ ਟੀਅਰ ਰੱਖ ਕੇ ਨਾ ਟੈਲ ਉੱਪਰ ਲਗਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਨਾਲ ਕੋ ਮਿਸਤਰੀ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਮੋਇਜ਼ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਮੇਰੇ ਉੱਤੋਂ ਜੋ ਟੈਲ ਟੁੱਟੀ ਮੇਰੇ ਸਿਰ 'ਚ ਲੱਗੀ ਚੰਗੀ ਰਾਤ, ਸਹੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਚੋਟ ਲੱਗੀ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗਿਆ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਸਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਟਾਇਲ ਲੱਗੀ। ਸੇ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਹਿੱਲੇ ਲੱਗਦੇ ਹੋ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਸੁਮੇਰਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਚਨੇ ਕੱਢ ਦਿਓ, ਅਤੇ ਇਹ ਚਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ
कटे तो हूँ मैं टेस्ट कर लगा किस तरह के मैनू ये चने भुनवे ना बहुत मज़ेदार लगते हैं। बस मैं इस तरह के जोड़े ना बहुत अच्छे लगते हैं। अच्छा जी स्मेल रोटी बना रही है छोटे बच्चे इस तरह करते रोटी थोड़ी जी टेढ़ी हो गई सही तो करो मेरी आ रोटी सड़ गई। अच्छा अच्छा जी पानी वाला कूलर असी उत्थों नहर तो लैके आने सुमैरा रोटी बनाती है तो ज्यान जो है ना वो छोटा है अभी तो ज्यान को मुझे उठाना होता है ज्यान मेरे पास होता है क्योंकि अभी ये छोटा बच्चा है तो कभी कभी जिद कर जाता है कहता है कि मम्मा रोटी ना बनाए क्यों ज्यान ऐसी ही है ना। हाँ जी अभी हमारा जो मुश्किल वक़्त है वो तकरीबन एक साल और रहता है क्योंकि थोड़ा सा ये बड़ा हो जाएगा तो फिर जाके जो है ना कुछ हमें क्या कहते हैं कि हम कुछ इजी होंगे। ज़ियान चाचू कहाँ है दूर है दादी दादी कहाँ है दादो। अच्छा जी दादू कहाँ है ज्यान बाय बाय कर दो बाय बाय कर दो चाचू को दादी को बाय बाय कर दो। इस टाइम कि सूट की तरपाई हो रही है थोड़ा जा उच्ची बोलो आवाज नहीं आ रही। अच्छा मैं ना एक गल जी कहना चाहना हमेरा दी रूटीन बन गई हमेरा ब्लॉग बनाती है ना उदी सही जी ना आवाज़ की रिकॉर्डिंग आती है तो सही जरा ना वो उदी सुनाई दी है असी मैं भी तेनों ना मैक लैके दे देना तो मैं खुद जरा ना उच्ची बोल लेना तुसी आस्ता बोलते हो तो फिर तुसी मैक दे नाल जी गल करनी हुई कर ली तो वो रिकॉर्डिंग हो जाएगी। काफ़ी मौसम बदल गया हुआ साढ़े को राती तकरीबन सुबह ना 5 बजे का टाइम से तो ठंडी हवा के नाल इतनी तेज नेरी आई है वो तो बारिश होके हटी है ना सारे सरगोधे तक बारिश हुई है लाहौर गुजरांवाला फैसलाबाद सरगोधा टीवी ते दस रहे सी खबरां च साढ़े को तो नेरी आई है तो इन्नी ठंडी हवा सी कि इन्नी सर्दी लगती सी सफियान मैनू दसदा सी कहिंदा मामू कहिंदा सानू ना अचानक कहिंदा कंबल लैने पै गए सुबह नठ नठ के कहिंदा हाँ जी बाहर पैंदे आ कहिंदा फड़ लो करा दित्ती इन्ना फायदा है ना अल्लाह पाक सब नू दवे ते जदों असीं चौकड़ा समझदे सी सानू अज कल दे मौसम च असीं इन्ने तंग हुंदे सी अंदरां च गर्मी लगदी सी बाहर तरेल पैंदी सी ते असीं बहुत औखे दिन कटदे सीगे ते हुण इत्थे चलो सानू इन्ना महसूस नहीं हैगा मैनूं 3 महीने हो गए इस बरामदे च पैदे क्योंकि बरामदियां दा बहुत ज्यादा फायदा वा कि त्रेल तो भी बंदा बच जांदा ते गर्मी तो भी बंदा बच जांदा वा नहीं तो साढ़े बच्चे बहुत बीमार हुंदे सी। हाँ जी ते ओह है हुण चलो इत्थे बरामदे हैगे आ ते इस करके ना काफी बचत हो गई है ते दूसरी गल इह कि जिद्दां असीं सुबह हुण इत्थे बरामदे च पए सी नेरी आई है जो भी आया सानूं कोई एडा फर्क नहीं पिया असीं पै रहे हां ते उहनां बेचारिआं दे बरांडे बरूंडे आ नहीं गए उहनां ने फिर नट भज के कंबल किसे ने लैया ते किसे ने पोछ लिया लाइट चले जांदी आ। हां जी
अल्लाह ताला भाई अल्लाह ताला का शुक्र अदा कर दिया। चलो बनाते हैं तो सुख वा मैं तो भाई कर रही हूँ इस टाइम बैठी ज्यादा टाइम ना सौ गया सी थोड़ा अगे तो 10 बजे तक सौंदा नहीं वो साड़ी रो रवैया होंदा होया सी ते अज थोड़ा टाइम ना सौ गया सी। मैं ना कमीज एक सिलाई करनी शुरू की थी ते मैं कि चलो हम रात में बैठी हूँ थोड़ी तो तरपाई कर ला भी नहीं तो टाइम नहीं लगता है जो सारिया लाइटा लग गई भी बंदा रात भी को घंटा सिलाई में ला सकता वा हूँ लाइट चा छोटिया तो नज़र नहीं आता एक एक लाइट सिर्फ आरजी ही लवाई हुई है जो सारिया लग गई। अच्छा पंखे की जी है ना वो आवाज इतने तक आती है छत वाले की पता नहीं साड़ियाँ तकलीस करने पंखे की तो आवाज ही नहीं पंखे की बहुत ज्यादा आवाज आती है इन्ना शोर है रंग वाले भाई ने चाचू जी के रूम रंग करके ना तो उन्होंने दरवाजा लगाता नहीं कि इस रूम से तुम नहीं जाना आना है तो बिल्कुल साफ सुथरा इसे तरह रहे जिन्हें चाचू जी नहीं आते हैं कि चाचू जी मैं साल ना आते रूम बंद रखना वा घट कमा के लिया सारे आगे उपर लग गए हूं साडे हले कर दिन दो हफ्ते भी नहीं हुए है ते कल का फिर बेचारा काफी बीमार हो गया 15-16 हज़ार रुपया फिर बेचारे का लग गया वा तो इन्ना तरस आता वा मैं ते मेरे को खल सप समझम पई सी अम्मी जी उन्होंने दी सी या मैं भी अपने बच्चे ने रखी सी मैं वह भी उन्होंने मैं दे दिन स्कूलों ने मैं भी चलो तुम भाई ना समझम खल पिलाओ ना उन्होंने पूरा खुआओ अल्लाह पाक उन्होंने शफा दे तो साडा जल्दी जल्दी रंग उन्नी और दवावान घर वाले नहीं कर देने जिन्नी और मैं दवावान कर दी हैं मैं कहनी तंदुरुस्त होएगा तो आ सारा काम खत्म होना वा ओ बिल्ली आई है ते लाइट आन हो गई है हाँ जी ते इदे देखने वाली भैन भरावां तो इजाजत चाहूंगी इंशाल्लाह फिर मिलांगे नेक्स्ट वीडियो च अपना बहुत सारा ख्याल रखना ते सानू ज्यादा तो ज्यादा कमेंट्स लिखा करो अल्लाह हाफिज़।